हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी में, दैट इज योर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपने सेक्शन 7 स्टडी किया है और ये सेक्शन 7 बेस्ड टॉपिक है। इस पे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ये बताना है कि ये जीएसटी कैटेगरी में आएगा, टैक्सेबल सप्लाई है नहीं है, दैट्स इट। इतना ही सीखेंगे सेक्शन 7 से। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर सीएमए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शन 7 का एक बार रिवीजन करवा दूं। सेक्शन 7 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स किसी भी तरह की सप्लाई हो, एनी तरह से, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल है, किसी भी तरह से। लेकिन मेड फॉर अ कंसिडरेशन, मेड फॉर अ कंसिडरेशन, अगेंस्ट होना चाहिए कंसिडरेशन के, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहला तो सप्लाई में ही शामिल था। दूसरा सप्लाई में शामिल है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब है कि कोई भी सप्लाई सप्लाई मानी जाएगी, एवन दो इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, शेड्यूल 1 तो समझ में आ गया। शेड्यूल 2 बोलता है कि ये वो एक्टिविटीज है जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगर ये शेड्यूल नहीं होता, अगर ये शेड्यूल नहीं होता, शेड्यूल नंबर 2 नहीं होता, तो शायद हम इन चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानते। इज इट क्लियर? जी। और तीसरा कि पहले ने तो हमें यह बताया कि विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा, उसके लिए शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 बोलता है कि ये वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर ये ना होता ना, तो शायद आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मान लेते, लेकिन हम नहीं मानेंगे। शेड्यूल 3 ये बोलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, देखते हैं। मिस्टर सीएमए राम अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैरीज आउट द एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइलिंग रिटर्न्स एक्सेट्रा। दीज एक्टिविटीज आर सप्लाई और नॉट? यस सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका काम है अपने सर्विसेज को सप्लाई करना या सेल करना। ये तो नॉर्मल कैटेगरी में आ गई, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 ही ये बोल देता है। दूसरा, मेसर्स एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार कंपनी यूज टू सेल मोटर कार कंपनी यूज टू सेल मोर नंबर ऑफ कार्स इन साउदर्न इंडिया। In view of demand in southern India, company intends to establish manufacturing units in Chennai. अब कंपनी की डिमांड बढ़ गई कार की, तो कंपनी ने सोचा चलो साउदर्न इंडिया में हम अपनी यूनिट establish करते हैं, चेन्नई में। Messrs X Limited appointed Mr. Y as a consultant to establish a consultant for searching, evaluating and shorting places for prospective target. अब ऐसा तो है नहीं कि कार बनाना है, हमें पता चला वहां कार बनाने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी कहीं भी कार लगा दे, बिजनेस लगा दे, ना, उसके लिए भाई हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, हमें प्लेस सर्च करने पड़ेंगे, हमें टारगेट्स देखने पड़ेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा वो प्रॉपर प्लेस है या नहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टेट सही है या नहीं, जगह सही है या नहीं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, हमारी कॉस्ट सस्ती होगी या नहीं, मीन्स हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करना पड़ता है। सर्चिंग, इवैल्यूएटिंग, शॉर्टिंग प्लेसेस फॉर प्रोस्पेक्टिव टारगेट्स, फाइनली कंपनी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश यूनिट इन अम्बटूर इंडस्ट्रियल एस्टेट चेन्नई। हेंस, अब मिस्टर वाई की सर्विसेज क्या है? दिस इज नॉट द सप्लाई, बट दिस इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के सपोर्ट में ही वो सप्लाई है। तो आप मिस्टर वाई को कुछ भी देंगे या मिस्टर वाई कुछ भी लेगा, दैट इज द सप्लाई। अगर मिस्टर वाई इंडिविजुअल काम करता है एज अ प्रोफेशनल, दैट देन दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू। लेकिन अगर एज एन एम्प्लॉय है, उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को जीएसटी में कवर नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? गिफ्ट को छोड़कर, 50,000 से अधिक के परक्विजिट्स को छोड़कर के, गिफ्ट को छोड़कर के, फिलहाल वो आएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं कंसल्टेंट आउटसाइडर है, देन दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ ₹1,00,000 एंड इश्यूड द इनवॉइस इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई।
हमने आपको एक लैपटॉप दिया और 1 लाख रुपए का इनवॉइस इश्यू किया. नाउ ओनरशिप इन लैपटॉप ट्रांसफर टू मिस्टर भाई, सच अ ट्रांजेक्शन इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. नॉर्मल है, मैंने एक लैपटॉप आपको बेचा 1 लाख रुपए में, मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया, दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर मैं आपको इनवॉइस नहीं भी दूं तो भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है. लेकिन इनवॉइस देना कब जरूरी है, वो इनवॉइस टैक्स क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सब देखेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट टैक्स इनवॉइस पढ़ेंगे अकाउंटिंग वगैरह में. फिलहाल यहां पर केवल इतने से मतलब है हम लोग को, हाँ दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. इलीगल एक्टिविटी वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 4. बेसिकली ये क्वेश्चंस नहीं है, एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैंने वहां क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी वहीं पर दे दिया है साथ में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इलीगल एक्टिविटी वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटी. ये इलीगल एक्टिविटी क्या होती है, ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी क्या होती है. इलीगल एक्टिविटी, आपने सामान चोरी किया, दिस इज नॉट अ लीगल एक्टिविटी. प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, ये काम करना ही नहीं है, ये काम आप कर ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है कुछ एरियाज में, नॉट ऑल. इट इज नॉट अ इलीगल बट इट्स अ प्रोहिबिटेड. वही नार्कोटिक डिपार्टमेंट अगर ड्रग्स यूज करता है, दिस इज अ लीगल एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ इलीगल एक्टिविटी. वही नार्कोटिक डिपार्टमेंट अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ड्रग की क्वांटिटी रखता है, उनकी ड्रग्स की हैबिट छुड़ाने के लिए कुछ कुछ क्वांटिटीज देता है, धीरे धीरे कम करता जाता है, तो उनकी जो हैबिट है वो खत्म करने के लिए वो जरूरी है. कई जगहों पर नशीली गैसों को दिया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, ऑपरेशन वगैरह थिएटर में, तो वहां पर वो प्रोहिबिटेड नहीं, वहां पर वो अलाउड है, लेकिन मार्केट में वो प्रोहिबिटेड है. इज इट क्लियर? इलीगल का मतलब पहला जो आपका एग्जांपल है, मिस्टर टी अ थीफ हैज स्टोलन मोटर बाइक एंड सेल्स इट द मिस्टर क्यू. एक ने एक मोटरसाइकिल चुराई और क्यू को बेच दी. अब मोटरसाइकिल चुराना इज नॉट अ लीगल एक्टिविटी, इट्स अ इलीगल एक्टिविटी, और उसके खिलाफ जो काम होंगे होंगे. लेकिन उसने क्यू को मोटरसाइकिल बेची, इट्स अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अब वो चोर जरूर सरकार के पास जाएगा, मैंने मोटरसाइकिल चोरी की थी, मैंने बेच दी है, टैक्स लो. लेकिन हाँ, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए. दूसरा, मिस्टर टी सोल्ड नार्कोटिक ड्रग एंड फिजियोथेरेपिक सब्सटेंसेस टू मिस्टर क्यू फॉर ₹3 लाख. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, ये प्रोहिबिटेड गुड्स हैं. इज इट क्लियर? हाँ या ना? लेकिन इनकी सेल को हम सप्लाई मानेंगे अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं तो. प्रोहिबिटेड गुड्स नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल सकते, नॉर्मल सेल नहीं किया जा सकता, बिना लाइसेंस बिना परमिशन के सेल नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर लाइसेंस लेकर हम सेल कर रहे हैं, दैट इज ओके, जीएसटी लॉ शैल अप्लाई. आगे चलते हैं. मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज लाइक वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर एक्स है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, और ये ऑफिशियल लिक्विडेटर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड काम करता है, उनको वैल्यूएशन करता है, इनवाइट करता है, हम बेचने का काम करते हैं, टेंडर इनवाइट करता है, सेल्स करता है, अरेंजमेंट करता है, मैनेजमेंट देखता है, और क्रेडिटर्स का पेमेंट करता है, लोन का पेमेंट करता है, ये सारी सर्विसेज देता है. तो जो भी सर्विसेज देता है, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विसेज. फ्री में तो दे नहीं रहा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवरी द गुड्स टू सच टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड. ठीक है, अपॉन डायरेक्शन ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर इज बिटवीन मिस्टर एंड मेसर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस. हाँ, हेड ऑफिस मुंबई में है, मुझसे कहती है यूपी में कि आप ये फर्नीचर दिल्ली में सप्लाई करो. मुंबई के हेड ऑफिस यूपी वाले को बोलती है दिल्ली में ये सामान सप्लाई करो. नो, दिस इज द नॉर्मल केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. कोई कहीं से कहे सामान आना और जाना अगेंस्ट कंसिडरेशन होगा तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा. तो जो मैं सामान दूंगा दिल्ली डिपार्टमेंट को, भले वो ब्रांच हो, दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. गुड्स सेंट फॉर अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस इट इज सप्लाई. हम डेमो के लिए किसी के पास सामान भेजते हैं. डेमो का मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इट आउट, वी आर जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड. इट इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई बिकॉज नो टाइटल इज ट्रांसफर्ड. हम सैंपल देते हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. हम डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. सप्लाई सैंपल देना, वहां सप्लाई हो गई. मेरी बात समझ लेंगे?
लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन देना सप्लाई नहीं हुआ, और ये विदाउट कंसिडरेशन है। दूसरा, इस पे टाइटल नहीं ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ जेरोक्स मशीन, ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन टू मिस्टर बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ्स। मेरे पास एक जेरोक्स मशीन है, मैंने किसी को उसको फोटोकॉपी करने के लिए 4 महीने के लिए दे दिया 10,000 पर मंथ के हिसाब से। यहां टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, वेदर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस। तो रेंटल है ना, तो रेंट भी सप्लाई कैटेगरी में आता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जी। ओनरशिप भले ना ट्रांसफर हुई हो, लेकिन ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो है, रेंट पर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर सी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मेसर्स ए लिमिटेड, डीलर ऑफ लैपटॉप, इन रिटर्न ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड गिवन टू मिस्टर सी 2 लैपटॉप्स, हेयर टू वे सप्लाई टेक्स प्लेस। कैसे? मैंने, मेरा एक क्लाइंट है जिसका काम है लैपटॉप को सप्लाई करना, मैंने उसको बिजनेस या प्रोफेशनल सर्विसेज दी। नाउ एट द एंड ऑफ द, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज, अगेंस्ट द कंसिडरेशन द अदर वन पार्टी मीन्स द सप्लायर ऑफ लैपटॉप गिव्स मी 2 लैपटॉप्स, तो क्या किया जाए? मैंने सर्विस दी, सामने वाले ने लैपटॉप दिया। हो सकता है मैंने सर्विस 40,000 की दी और सामने वाले ने लैपटॉप 50,000 का दिया, हो सकता है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेरी ओर से, सप्लाई ऑफ गुड्स सामने वाले की ओर से माना जाएगा। टू वे सप्लाई है, यहां से सप्लाई ऑफ सर्विस गई और वहां से सप्लाई ऑफ गुड्स आया जी। नेक्स्ट, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, किस वैल्यू पर करेंगे, हम लोग आएंगे उस पर। अभी हम लोग वैल्यूएशन टॉपिक को नहीं देख रहे, बशर्ते हम लोग इस चैप्टर में या सेक्शन 7 में केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अभी तक तो हमें नहीं रहता क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मिस्टर एक्स इज अ डीलर इन लैपटॉप्स, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर ₹40,000 टू मिस्टर बी, वाई, अलॉन्ग विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर, अलॉन्ग विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर। बार्टर ऑफ प्रिंटर का मतलब प्रिंटर दो, ये लैपटॉप ले जाओ। द वैल्यू ऑफ द प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ द सप्लाई इज 4,000, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नोन नॉट नोन। मार्केट में अगर देखा जाए तो प्रिंटर की कीमत 4,000 है, प्रिंटर की कीमत 4,000 है, सामने वाले ने मुझे 40,000 में लैपटॉप दे दिया और मैंने उसको अपना प्रिंटर दे दिया, इसका मतलब ₹44,000 हो गए सप्लाई की कीमत, क्योंकि उसने मुझसे 40,000 तो लिया 4,000 का प्रिंटर भी ले लिया, 40,000 भी गया मेरी जेब से और प्रिंटर भी गया, तो टोटल कितने गए 44,000। इज इट क्लियर? तो कहा गया द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ लैपटॉप इज 44,000, यानी यहां से जो इधर आया उसकी कीमत कितनी है 44,000। पक्की बात है हाँ या ना? दूसरा, ये जो 4,000 का मैंने उसको सामान दिया है, ये भी सेल माना जाएगा अगर मेरा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और मैं रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूं तो। अगर मैं रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूं तो मुझे उस 4,000 पर भी, मुझे जो मैंने सामान दिया 40,000 के साथ 4,000 दिया है, तो इसका मतलब 4,000 का सामान मैंने बेचा है, तो मुझे 4,000 पर जीएसटी लगेगा और सामने वाले के ऊपर 44,000 का जीएसटी लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मिस्टर ए इज द डीलर ऑफ 2 new phones, ही सप्लाइड 20,000 टू मिस्टर बी अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फोन्स, इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000। अब 20,000 में उसने मुझे फोन दे दिया और उसके बदले 4,000 में पुरानी फोन ले लिया, इसका मतलब वो हमसे ₹24,000 मांगा, 20,000 कैश और ₹4,000 पुरानी फोन जी। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार्स, ही सेल्स न्यू कार्स 8,25,000, एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 ऑन सरेंडरिंग ऑफ द ओल्ड कार, यानी ₹7,00,000 हमसे कैश या चेक में लेगा और 1,25,000 हमसे वो पुरानी कार ले लेगा, यानी टोटल 8,25,000 की कार हमको मिलेगी, उसकी ओर से हमारी सप्लाई हो गई 8,25,000 की और मेरी ओर से सप्लाई हो जाएगी 1,25,000 की, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं टैक्सेबल तो उस पर भी मेरा जीएसटी लग जाएगा जी। सिंपल है, तीनों क्वेश्चन एक तरह थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
Mr. X, a developer of information technology software and holder of license thereon. License is used to use software was given to different client. 18 लाख में हमारा काम है, मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करता हूं और सॉफ्टवेयर में लोगों को यूज करने के लिए देता हूं और मैंने 18 लाख में वो सप्लाई किए हैं. अगर टाइटल ट्रांसफर हुआ है दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर रेंट पर दिया गया अगेन दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर है? तो यहां परमानेंट या टेंपरेरी दोनों कवर्ड हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, अ चेन्नई बेस्ड कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 18 मंथ्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक साइट्स इन मुंबई. कर लेंगे इसको, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. मिस्टर ए ओन्स अ रेजिडेंशियल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में रिवर्स चार्ज का सिस्टम है, अभी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स चार्ज को गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक वैसे भी पोस्टपोन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 14 को स्किप कर दें अभी फिलहाल. मिस्टर ए ओन्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन अ प्राइम कॉमर्शियल लोकेलिटी, लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकयार्ड इज गिवन ऑन रेंट ऑन 1,80,000 पर मंथ टू अ पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर. अब मेरे पास एक जमीन है, बिल्डिंग है, उसके साथ लगी हुई जमीन है. अब जमीन का कोई यूज नहीं है, मैंने उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि तुम इसको पार्किंग प्लेस बना दो. मिस्टर बी हु हैज सेट अप अ पार्किंग फैसिलिटी ऑन द सेड लैंड, इट इज टैक्सेबल सप्लाई. बिल्कुल सही है, मैंने उसको जो दिया है 1,80,000 रुपए पर, 1,80,000 रुपए पार्किंग फैसिलिटीज के लिए दिया है पर मंथ के लिए, अब वो उससे कमाएगा. तो मैंने उसको जो दिया है, भले ही मेरा बिजनेस ना हो, बावजूद इसके ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और जीएसटी लगेगा. क्लियर है? मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन अ कॉमर्शियल लोकेलिटी, ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन अ रेंट टू मिस्टर सी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 60,000. मिस्टर वाई uses the same as his residence, it is a supply of service. बिल्कुल सही है. अब हमने किसी को कोई commercial property दी commercial activities के लिए, तो this is a case of supply. लेकिन अगर residential purpose के लिए दी है तो उसके लिए हमारे पास एग्जेम्पशन है. मैंने अगर अपनी कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल किसी के रहने के लिए दी है स्पेसिफिकली, तो वो एग्जेम्प्ट है. वो हम लोग एग्जेम्पशंस में देखेंगे कि अगर बिल्डिंग को लेट आउट करते हैं रेजिडेंट पर्पस के लिए तो वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी में, लेकिन अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग क्रिएट लेट आउट करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17, मेसर्स एक्स बैंक लिमिटेड गिव्स एन एसेट अंडर फाइनेंस लीज टू मेसर्स वाई लिमिटेड, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर टू द बैंक 80 लाख विच इंक्लूड्स अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख. नहीं समझ में आया, 80 लाख रुपए फाइनेंस लीज का पेमेंट करना है जिसमें 50 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का है. हमें ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज क्या होती है? चूंकि आप लोग ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज अभी मैं मानकर चलता हूं आप लोग नहीं जानते हैं, व्हेन यू विल स्टार्ट टू डू द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अंडर द अकाउंटिंग यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एज वेल एज द फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीज वो होता है जहां पर मान लो मेरे पास 10 कोई एसेट है, फर्नीचर है. अब वो फर्नीचर है तो उसकी लाइफ कितनी होगी मैक्सिमम सर? 7 साल 8 साल 10 साल, चलो मान लेते हैं 10 साल. मैंने वो फर्नीचर आपको 8 साल के लिए दे दिया. अरे किराए पर मैंने दिया, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए. अरे सर, तो मैक्सिमम लाइफ तो आप ही यूज कर ले रहे हो उस फर्नीचर का, इसको हम कहेंगे फाइनेंस लीज. दूसरा एक और फाइनेंस लीज हो सकता है, मैंने वो फर्नीचर आपको 4 साल के लिए दिया. नाउ एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द एश्योरेंस इज गिवन बाय यू टू मी दैट आफ्टर द लीज टर्म यू विल बाय इट ऑटोमेटिकली. 100% इज पॉसिबिलिटी टू बाय इट बाय यू, आप उसको बाय कर ही लोगे, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज होती है. तीसरा, मान लो उस फर्नीचर की कीमत 10,000 थी, मैंने आपसे रेंट के नाम पे 8,000-10,000 रुपए वैसे ही वसूल लिया, अगेन इट इज अ केस ऑफ फाइनेंस लीज. यानी मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम लाइफ या मैक्सिमम यूजेस और एश्योरेंस एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म टू बाय द एसेट बाय द लेजी. तो अगर इस इन चीजों में से कुछ आता है तो वो फाइनेंस लीज मान लिया जाता है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज होता है. फिलहाल इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में देखेंगे. यहां पर फाइनेंस लीज के तहत कोई एसेट खरीदी है, बैंक ने हमको फाइनेंस किया है, इसका मतलब वो एसेट अब मेरी है. तो यहां पर वो जो कंपनी और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन होगा, दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई. ठीक, अकबर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 18, अकबर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड अ ट्रेवल एजेंट बुक टिकट फॉर अ कस्टमर मिस्टर एक्स, ट्रेवल एजेंट रेजेज इनवॉइस ऑन कस्टमर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर 10,000 एंड इज कमीशन 500. अब मान लो मुझे रेलवे में अपने किसी क्लाइंट की बुक टिकट बुक करवानी है, तो मैंने 10,000 रुपए की टिकट बुक करवाई,
प्लस 500 रुपये मैंने उसमें अपना कमीशन जोड़ दिया। अब मैं सामने वाले से कितना वसूलूंगा, 10,000 टिकट का और 500 रुपये कमीशन का, तो मेरे ऊपर जीएसटी कितने का लगेगा, 500 का। एग्जेम्पशंस में आप पढ़ेंगे इस चीज को, एग्जेम्पशंस की लिस्ट में आएगा। प्योर एजेंट आप पढ़ेंगे, यानी एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द टिकट द कस्टमर नो वेरी वेल दैट व्हाट द अमाउंट ही इज गोइंग टू पे टुवर्ड्स टिकट एंड टुवर्ड्स कमीशन, बिकॉज वॉट एवर द इनवॉइस आई विल रेज अगेंस्ट हिम इन दैट इनवॉइस क्लियरली आई विल राइट द अमाउंट ऑफ टिकट एज वेल एज माइन कमीशन। तो मेरा जो कमीशन होगा उस पर तो जीएसटी लगेगा, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जी, केवल कहानी की तरह आप लोग ये चीजें दिमाग में बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। वंस विल सी दैट समवेयर इन आवर माइंड इट विल स्टिक, इज इट क्लियर? बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेसर्स एक्स, अब इसका वैल्यूएशन क्या होता है, कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, रिटर्न्स कैसे फिलअप होता है, ऑनलाइन कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि सप्लाई मानी जाएगी या नहीं। मेसर्स एक्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्योर एजेंट क्या होता है, आपने तो कुछ बताया नहीं। नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ही नहीं आपको, अभी जब आएगा समय तो उस समय आपको डिटेल में तो बताएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 19, मेसर्स एक्स लिमिटेड बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा ब्रांड rendered services to buyer of car but payment is made to authorized dealer by the Tata company. एक बात बताओ, मान लो मुझे एक कार लेनी है तो मैं कार किस कंपनी की लेना पसंद करूंगा इस सिटी में? अगर मेरा छोटा शहर है तो मैं वहां पर कार उसी ब्रांड की लेना पसंद करूंगा जिसका सर्विस सेंटर वहां इजिली अवेलेबल हो। मान लेते मैंने मारुति की कार ली इस पर्पज से कि इसकी सर्विस मिल जाएगी और शुरू के 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी। अब मैं कार लेकर के आया लेकिन मैं सर्विस कराने नहीं गया, तो पैसा तो सारा का सारा कंपनी में जा चुका है। अब मान लो मैं सर्विस कराने गया फ्री में, ये जो डीलर है जिससे मैंने कार खरीद, मैं कहूंगा सर्विस कर दो, अब वो सर्विस तो कर देगा, फ्री में करेगा नहीं, फ्री में करेगा क्या वो सर्विस? नहीं सर, वो फ्री में कैसे कर सकता है सर्विस, वो तो पैसा लेगा। अरे बोला गया था कार खरीदो 6 महीने तक की सर्विसिंग फ्री, अब पैसा कैसे लेगा? हाँ सर, हमें तो छुट्टी कर देगा, वो पैसा लेगा टाटा कंपनी से या मारुति कंपनी से जिसका वो डीलर है, वो कंपनी उसको रीइंबर्स करेगी, तो उन दोनों के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगी। जी सर, हाँ या ना, पक्की बात है। ए स्पोर्ट्स क्लब एग्री टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर मिस्टर बी फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसने एक मिस्टर बी को हायर किया, जैसे आप आईपीएल में नीलामी देखते हैं, नीलामी किसकी होती है, प्लेयर्स की होती है। किसकी, आज से सुनते थे नीलामी होगी इस घर की, नीलामी होगी इस बिल्डिंग की, नीलामी होगी इस प्लांट की। अब नीलामी किसकी हो रही है, सूट बूट की नहीं हो रही है, नीलामी हो रही है तो प्लेयर की हो रही है। बिके हुए हैं सारे के सारे। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स क्लब एग्री टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर मिस्टर बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। इन एडिशन टू दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द प्लेयर शैल बी प्रोवाइडेड विद अ कार वैल्यूड ऑफ 20 लाख। अब सामने वाले को मैंने 2 करोड़ में खरीदा, यानी कि 2 करोड़ तो मैं उसको दूंगा, मैंने उसको कार भी देनी है 20 लाख वाली, तो टोटल कितने में खरीदा, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। इज इट क्लियर, पक्की बात है। तो यहां पर जीएसटी कितने पर लगेगा, 2 करोड़ 20 लाख पर। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स सेल्स ऑफिस फर्नीचर टू मिस्टर वाई ऑन द कंडीशन दैट डोनेशन ऑफ 10,000 इज पेबल बाय मिस्टर वाई टू अ ट्रस्ट। द अमाउंट ऑफ 10,000 इज पेड बाई मिस्टर वाई इज बाई रीजन ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर। ओके, मैंने उस ट्रस्ट को डोनेशन के नाम पे 10,000 दिया, लेकिन वो डोनेशन नहीं है बल्कि उस ट्रस्ट से मैं एक फर्नीचर खरीद रहा हूं। दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई, दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई। जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेसर्स लक्ष्मण लिमिटेड एग्री टू सेल इट्स बिजनेस टू मेसर्स राम लिमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख। मेसर्स लक्ष्मण लिमिटेड फर्दर एग्रीज दैट इट विल नॉट कंडक्ट सेम और सिमिलर बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड अगेंस्ट दैट राम लिमिटेड पेड रुपीज 20 लैक्स। तो इसका मतलब मैंने राम लिमिटेड को अपना बिजनेस, मैं लक्ष्मण हूं, मैंने राम को अपना बिजनेस सेल कर दिया 50 लाख में। अब जैसे ही सेल किया उसके बाद मैंने राम से कहा, देख मैं ये चाहूं तो दोबारा बिजनेस जनरेट कर सकता हूं, लेकिन अगर तू मुझे 20 लाख रुपए देगा तो आने वाले 5 साल 7 साल तक मैं ये बिजनेस दोबारा नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरा बिजनेस करूंगा, सेम टाइप ऑफ बिजनेस मैं रन नहीं करूंगा, मुझे 20 लाख रुपए और दे दो। तो मिस्टर राम ने मुझे 70 लाख रुपए दिए टोटल, 50 लाख रुपए बिजनेस के
बंद करने के, उसको ट्रांसफर करने के और 20 लाख रुपए मुझसे वो बिजनेस ना करवाने के. तो टोटल कंसिडरेशन विच आई गॉट इज रुपीज 70 lakhs इन टोटल एंड जीएसटी शैल बी अप्लाइड ऑन दैट. ठीक. क्वेश्चन नंबर 23. मिस्टर राजेश ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव विद हिज वाइफ मंजू वायोलेटेड ट्रैफिक रूल्स एंड वॉज इम्पोज्ड फाइन. एक बात बताओ, गलती करो सजा मिलेगी तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? ना, दिस इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई. ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा. द अमाउंट रिसीव्ड एज फाइन और पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन. इसको हम कंसीडरेशन नहीं मान सकते. बिल्कुल सही बोला है. फॉलोइंग जनरली शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन. अगर माँ बाप अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो वो हमारा नहीं माना जाएगा क्या? कंसीडरेशन. वो सप्लाई नहीं है. पापा ने कहा ये ले 10 रुपए कुछ खा लेना, तो ये सप्लाई हो गया, जीएसटी लग जाएगा. अरे जब खाएंगे पिएंगे तो टैक्स तो सरकार के पास जाएगा ही जाएगा. लेकिन पिता ने बेटे को दिया, बेटे ने माँ को दिया, माँ ने बेटे को दिया, तो इस तरह की पॉकेट मनी वगैरह देना जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता. गिफ्ट और रिवॉर्ड. गिफ्ट और रिवॉर्ड जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा. लेकिन हाँ, अगर कुछ कंसिडरेशन के बदले में है, बेसिकली मेरा पर्पज गिफ्ट देने का यह है कि कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, या मैं उससे कुछ इनडायरेक्टली फायदा ले रहा हूं या ऑलरेडी फायदा ले चुका हूं, तो वो गिफ्ट हमारा सप्लाई माना जाएगा. अमाउंट पेड ऑन एलिमनी फॉर डाइवोर्स. अगर डाइवोर्स के केस में हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को कुछ प्रॉपर्टी या एसेट या कुछ कैश वगैरह देते हैं, तो वो हमारा सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा. इज इट क्लियर? जी. क्वेश्चन नंबर 25. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि हम लोग को तो यही पता करना है ना, अगले सेशन तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. 70-80 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जितने हो सकते हैं हम लोग करेंगे. एक बेसिकली सिस्टम जनरेट करना है आपके दिमाग में कि हम लोग आगे करने क्या जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 25. सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एडिशनल कंसिडरेशन. ठीक है, देखते हैं. सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स. द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर बट इट इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फर्टिलाइजर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन. इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे. इसको हम आराम से आपको समझाएंगे कि गवर्नमेंट की सब्सिडी को क्यों शामिल नहीं किया गया है. जी, आगे देखते हैं, वो समझ में भी आ जाएगा कुछ समय में. धीरे धीरे जब एग्जेम्पशंस वगैरह देखेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी. डिपॉजिट्स. क्वेश्चन नंबर 26. इफ रिफंडेड. मैंने आपने हमसे कहा सर आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे दिए. मैंने कहा ठीक है, ये ले लो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करो, फ्रेंचाइजी ले लो. आपने 10 लाख का डिपॉजिट कर दिया. इट इज नॉट रिटर्नेबल डिपॉजिट्स. ये मैं वापस नहीं करूंगा. इट्स मींस ये सप्लाई हो गया. और मैं कहता हूं नहीं, 10 लाख रुपए आपको 1 साल बाद वापस हो जाएंगे, 2 साल बाद वापस हो जाएंगे, टर्मिनेशन के समय वापस हो जाएंगे, तो वो डिपॉजिट हमारा सेल सप्लाई नहीं माना जाता. अगर रिफंडेबल है इट इज नॉट अ कंसिडरेशन. लेकिन अगर रिफंडेबल नहीं है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा. चले, अगर रिफंडेबल नहीं है तो मेरा सेल प्राइस हो गया एक तरह से. क्वेश्चन नंबर 28. एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड. भाई उस पर तो जीएसटी लग चुका, मैंने आपको बता दिया कार वाला केस. अब दोबारा आप ना पूछें, कंपनी से वो ले लेगा, फ्री ले जाए. फ्री में अगर कोई वारंटी ड्यूरेशन में हमें कोई सर्विसेज देनी पड़ रही हैं या पार्ट्स रिप्लेस करनी पड़ रहे हैं, तो हम कंपनी से तो अपना क्लेम कर लेंगे ना. बता चुके हैं उस चीज को. क्वेश्चन नंबर 29. पेनाल्टी लेविड ऑन लेट और डिलेड पेमेंट ऑफ लोन्स आर एडवांस आर टैक्सेबल सप्लाई. नहीं है पेनाल्टी. अगर आप लॉ को वायलेशन करते हुए कुछ चार्ज करते हैं लॉ, तो वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी. लेकिन अगर इंटरनल लॉ बनाया गया है, दैट इज नॉट अ जनरल लॉ, मेरी कंपनी के अंदर का लॉ है, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. अब आपके यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के आगे फिर देखेंगे. यहां से आपके स्टार्ट हो जाएंगे शेड्यूल 1, 2, 3. तो हम लोग शेड्यूल 1, 2, 3 को एक बार रिवाइज करेंगे. आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार करके आएंगे, हम लोग रिविजन करेंगे और उसके बाद तुरंत पढ़ेंगे. शेड्यूल नंबर 1 था कि विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा. दूसरा, इन चीज़ों को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानते नॉर्मली. और शेड्यूल 3 बोलता है कि हम इन चीज़ों को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे, अदरवाइज हम मान लेते अगर ये नहीं दिया होता तो. ठीक, थैंक यू. Thanks a lot.